तो बस अभी आए हैं हम लोग अल्ट्रा फ्लाइट करने के लिए। जैसे मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट दिन हम लोग पोखरा उतरे थे और एक क्लब में गए थे जहां हमने फ्लाइट करनी थी। तो फाइनली आज हम वही हैं, अल्ट्रा फ्लाइट हम लोग करेंगे आज। हमने 30 मिनट्स की राइड ली है और इसके लिए हमने तकरीबन दिए हैं इनको 11,500 नेपाली रुपीज़। ये 30 मिनट्स के लिए किसी एक जनों को प्रसाद बैठाकर पूरा एक राउंड हमें निकलवा के लाएंगे, और साथ में हमें गोप्रो की एक वीडियो भी बना के देंगे। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र। ये अलग अलग मॉडल्स हैं, हमने इसे रेड वाला है, वैसे हमने येलो है यहाँ पे उस क्राफ्ट को लिया है, क्योंकि तो ऊपर हवा बहुत तेज है तो ओपन वाला हमने नहीं लिया। रुजुल भाई को ये पीले वाला पसंद आया तो मैं कहा चलो भाई, रुजुल भाई को पसंद आया तो मुझे ही पसंद आया, ऐसा बोल के हम लोग पीले वाला ले लिए हैं। और बस ये अभी वार्म अप हो रहा है और पता नहीं शायद किसी सिग्नल का वेट कर रहा है। एक्चुअली ये ना पोखरा के जो एयरपोर्ट पे ही बना हुआ है साइड में, तो जब तक वहाँ से ना उनको क्लियरेंस नहीं मिलती, ये यहीं बस ऐसे गुल 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 घूमता रहेगा और वेट करता रहेगा। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं, आज शायद यहाँ टेक ऑफ्स बहुत ज़्यादा हैं पोखरा में, तो हमें बोला गया है कि बस आप वेट कीजिए, जब पोखरा अथॉरिटी ये क्लियर करेगी तो ही हमें आगे का रास्ता मिलेगा। तो ये है पूरा पोखरा एयरपोर्ट, शायद अभी ये टेक ऑफ होना है तो इसी का वेट कर रहे हैं हम लोग, एक बार हो जाए फिर देखते हैं। सो फाइनली हमें सिग्नल मिल गया और सबसे पहले बारी आई मेरी। रुजुल भाई बोले पहले आप चक्कर लगा के आओ, अगर आप ठीक ठाक वापस आ गए तो ही मैं आगे जाऊंगा। चलो ठीक है भाई, रुजुल भाई ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा यार, अब इतना छोटा है, हाइट इतनी है ना, तो बड़ा यूँ एडजस्ट होकर अंदर घुसना पड़ता है, नहीं तो ऐसा टकरा जाएगा। और ये क्लब का स्टाफ जो पूरा गियर्स वगैरह लगा रहे हैं, बेल्ट वेल्ट बांध रहे हैं, अंदर पायलट भाई बैठे हैं जो एकदम शांत चुपचाप। तो चलो चलते हैं राइट पे। ये सामने लगा हुआ गोप्रो और हो गया स्टार्ट। ये जो क्लिप है ना, ये जो पर्टिकुलर फुटेज देख रहे हैं, ये क्लब के द्वारा बनाई गई है, गोप्रो से इन्होंने शूट किया था, इस विंग के ऊपर ही कहीं गोप्रो ने लगा रखा है तो उनसे इन्होंने ये शूट करके हमें क्लिप दी थी, और इसका पैसा इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस वीडियो में मैंने दोनों क्लिप्स डाल दी हैं, जो मैंने शूट की थी अपने आईफोन से और जो क्लब से मिली थी गोप्रो से, तो आपको दोनों का एक आइडिया लग जाएगा। हम लोग ले चुके हैं अपनी उड़ान और अभी ऊपर चल रहे हैं पोखरा के। ये पोखरा सिटी बहुत बड़ा है, हम लोग एक्चुअली लेक साइड रुके हुए थे और इधर का ये जो सिटी है काफ़ी बड़ा है। तो ये देख लो, ये बस इसमें मोटर लगी है, उससे अपना आप ये गोप्रो अपना एंगल चेंज करता रहता है, और इसका जो कंट्रोल है वो पायलट भाई के पास में है। तो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं यार। तो ये देख लो पोखरा सिटी, आज कुछ मौसम ज्यादा क्लियर नहीं है तो बहुत दूर का नहीं देख पा रहे हम लोग। ये टेक ऑफ का वीडियो है जो मैंने अपने आईफोन से बनाया था, तो ये भी देख लो, ये मैं और पायलट भाई बाजू बाजू बैठे हुए। ये अगेन गोप्रो का वीडियो, ये
अभी दूर ही एक यहाँ एक शिव मंदिर है और एक शांति स्तूपा है, उसकी हम फेरी काट के आएंगे। ये पायण भाई इस वीडियो कुछ बताते रहते हैं। ये अगेन मेरा आईफोन का वीडियो, ये कुछ बोल रहे थे पायलट भाई। ये तो मोस्टली पता नहीं क्या कोर्ट में बात करते हैं, समझ में ही नहीं आता। कुछ पर्टिकुलर नंबर्स बोलते रहते हैं, सामने से भी वॉकी टॉकी पे नंबर्स आते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो ये है सामने शिवा मंदिर, काफ़ी हाइट पे है। और यहाँ पे आज ना बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, शायद आज यहाँ मंडे था, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद मंडे था, तो अच्छा खासा यहाँ रश है। अभी जब चक्कर लगाएंगे तो दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखिए ये है ना अच्छा खासा रश, यहाँ पे पूरा कैंपस भरा हुआ है। ये हमने फेरी काट ली शिवजी महाराज की। पूरा पहाड़ी को प्लेन करके ये मंदिर बनाया हुआ है। अब हम देखेंगे शांति स्तूपा। ये है शांति स्तूपा, इसकी भी हम फेरी निकालेंगे। और ये है पूरा पोखरा सिटी। हमें फ्लाई किए हुए 25-26 मिनट हो चुके हैं और बस हम वापस हैं रनवे की ओर। सिग्नल मिल चुका है हमें लैंड करने का, तो चलो चलते हैं धरती पर वापस। बहुत यार हवा में उड़ लिए और ज़मीन पे आ जाते हैं। तो ये आईफोन से लैंडिंग का सामने हवाई पट्टी एकदम क्लियर। मतलब बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। जो पायलट भाई भी थे उन्होंने काफ़ी कुछ बताया हिस्ट्री के बारे में और आजू बाजू के जो लोकेशंस थी। ये हम पहुँचे फाइनली।
धरती पर। मतलब ठीक है, एक बार एक्सप्रेस ले लेके ठीक है, और ऐसा कोई कॉस्टली भी नहीं है, तो चलो एक और काम हो गया आज। अब नेक्स्ट टर्न है रिजुल भाई का। बस ये हम लोग पहुँचे, ये वीडियो रुजुल भाई ने लिया है, तो थैंक यू रुजुल भाई, बहुत अच्छे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं, और साथ में बहुत ही अच्छे बंदे भी हैं। इनको बहुत शौक है यूट्यूबर्स को होस्ट करने का, तो अगर आप कभी भी जाओ तो रुजुल भाई से ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लेना। पहुँचते ही क्लब का स्टाफ आ गया सब कुछ तामझाम खोल के मुझे फ्री करने के लिए। यहाँ आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ बैठा रहना है और देखना है, बाकी सब कुछ ये स्टाफ कर लेगा आपके लिए। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।